आजा। तुझे बुलाया मैंने? तुझे बुलाया? चलो। अभी चूहे इतने हैं ना बेहिसाब वाले, कल ये चोक कर दी थी पूरी। ये देख रहो अब क्रीम वाला बिस्कुट, जो जिसको खाना हो आ जाओ। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हिज चैनल। और गाइज मैं नहा धो के हो गया हूँ रेडी, अभी मुझे जाना है कहीं काम से मार्केट। और भाई यहाँ चल रहा है बिस्किट का कुछ काम, साद भाई आए हुए हैं हमारे। ये देख रहो अब क्रीम वाला बिस्कुट, जो जिसको खाना हो आ जाओ। ये देखो भाई यहाँ चल रहा है काम, और यहाँ धूप में खड़ी है हमारी गाड़ी। भाई गर्मी हो रही है एक नंबर वाली। और भाई फिलहाल इन तोतों के लिए चल रहा है कूलर, क्योंकि गर्मी इतनी है ये बेचारे क्या करें। देख रहे हो आप, ये देखो भाई सब, देखो ये तो कूलर के आगे बैठे हैं, सब कूलर के आगे बैठे हैं भाई, क्योंकि गर्मी इतनी है। तो फिलहाल चलते हैं, थोड़ा बहुत इनको काम निपटाते हैं, क्योंकि आज ये वाला पोर्शन हमको ना सारा खाली कराना है, क्योंकि इसमें सामने की तरफ हम बनवा रहे हैं कुछ अलमारीज वगैरह, जिससे कि ये सारा सामान जो भी है ना, ये जितना भी सारा सामान है यहाँ पे, ये सब अलमारियों में सेट हो जाए। और भाई ये जो नीचे की गंदगी है ना, ये सब ख़त्म हो जाए, क्योंकि चूहे इतने हैं ना बेहिसाब वाले, कल ये चोक कर दी थी पूरी नाली। तो भाई फिलहाल अभी इन दोनों भाइयों से कराऊंगा इसको क्लियर ना, तो मस्त मज़े से अभी नहा धो के हो गए हम रेडी। इस कल हमने कर दिया था स्विमिंग पूल साफ, रात तो इसी में नहाए थे। और बाकी भाई फिलहाल ये वाला भी अपना भर चुका है, पानी एकदम चकाचक बिल्कुल साफ देखो, और टाइल्स भी बिल्कुल क्लीन हो गई। कल हमने ना हारपेक से धोया है इसको मस्त करके, तो जो काई वगैरह जम रही थी ना वो सब फिनिश हो गई है। और भाई हमारे यहाँ फाल से भी एंड पे ही चल रहे हैं, अभी इक्का दुक्का ही है जो पका हुआ है, बाकी सब निपट लिए। देख रहे हो ये आ रहे हैं भाई, खट्टे मीठे होते हैं इनका खाने का यार अलग ही मज़ा है। बाकी देख रहे हो बहुत कम है, जगह जगह तो हैं बाकी बहुत कम है, ज़्यादा पके हुए भी नहीं है, अब कहीं कहीं दिख रहे हैं। गाइस अभी यहाँ पे आ गया ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज बनाई है करेंगे ने पूड़ी और अरबी। और भाई ये इहीं का अचार बड़ा टेस्टी है यार सच में। कैसे खाना है क्या? खाना है क्या? ऐ नहीं खा लिया फिर? खाना भी नहीं है, खाया भी नहीं है। अबे यार तुम तो वो ही रहे चंपूराम। चीटा देख कितना मीठा खाएगा रे, तो चीटा भी चढ़ गया तेरे ऊपर। गाइस देखो ये वाला तोता हो गया है बड़ा, और देखो ये कैसे। हाँ भाई आजा आजा, तुझे बुलाया मैंने? तुझे बुलाया? चलो गाइस अभी चल रहे हैं, और वहाँ पे थोड़ा सा काम है उसको निपटा के आते हैं। कुछ हमारा जो ये फ़ोन में जो मैंने ग्लास चढ़वाया था ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है वीडियो बनाने में, मतलब अगर मैं फ्लैश ऑन करता हूँ ना रात में लाइट की, तो थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा दिखाता है, तो उस चीज़ को भी दिखा के आना है मुझे जहांगीराबाद उस भाई को जहाँ से मैंने वो लगवाया था। और भाई गर्मी हो रही है बहुत भयंकर वाली, एसी भी घर का एसी भी लगा लो, कल पूरे दिन काम नहीं कराया उसने। जब मैंने आउटडोर कल धोया है ना, वॉश किया है जब जाके कहीं थोड़ा सा हुआ है, और धोया क्या थोड़ा बहुत पानी वैसे ही मार दिया था बाहर से, बाकी प्रॉपरली मैं धोऊंगा उसे भी आज या कल में। और भाई लोग बाग गर्मी में भी इतने रोड पे हैं ना भाई, काम तो देखो सब करने पड़ते हैं, गर्मी तो है मान रहा हूँ मैं। भाई अभी टाइम हो गया है 2:30 बज रहा है, और अभी जहांगीराबाद का काम निपटा के भाई हम कराते हैं अपना नाइट्रोजन टॉपअप, क्योंकि 2-3 दिन से ना नाइट्रोजन टॉपअप हुआ नहीं है भाई, टायर है प्रेशर। तो फिलहाल यहाँ पे कराते हैं अपना नाइट्रोजन टॉपअप, क्योंकि गर्मियों में चेक कराते रहना चाहिए, और बाकी नाइट्रोजन ना टायर को ठंडा रखती है, तो इसलिए मैं नाइट्रोजन का ही टॉपअप कराता हूँ। सादा हवा तो कम ज़्यादा भी होती रहती है, बहुत कम प्रेशर अप डाउन होता है इसका नाइट्रोजन का। 33 करेंगे, देखो इनको पता है क्योंकि मैं 33 कराता हूँ ना, ये देखो ये चारों में अब नाइट्रोजन टॉपअप कर देंगे मस्त वाला अपना। भाई फिर सीधे चलते हैं घर, क्योंकि वहाँ पे लगी हुई है लेबर, काम चल रहा है, तो मुझे ना वो जीने वाली जगह भी आज क्लियर करानी है, क्योंकि कल वहाँ मिस्त्री लगने वाले हैं भाई। गाइस अभी मैं आ गया हूँ घर पे, और मैंने कर लिए कपड़े चेंज, एक्चुअली वहाँ की ना सफाई करानी है मुझे अभी कोने की ना, जीना के नीचे। हाँ जी क्या हुआ, टूट गया क्या? क्या हो गया, आटा आएगा इसमें? ये
यहाँ सफाई चल रही है भयंकर वाली। अजी हाँ, और ये भाई ये खाली हो गया पूरा पोर्शन ना, देख रहे हो कितनी गंदगी थी इसमें, पूरी जगह खाली हो गई, सब साफ हो गया। कल यहाँ सामने अलमारियाँ बनेंगी और भाई ये सब गेहूँ वगैरह कोठियाँ में सब निकलवा दिए, सामान तो घर का बुरा हाल हो रखा है इस समय तो। ये देखो बेहिसाब वाली गंदगी हो रखी है भाई। गाइस अभी हो गया ये क्लीन, देख रहे हो भाई साहब एक नंबर हो गया ये देखो बिल्कुल। और ये चूहों ने कर रखी है सारी गंदगी, ये सब बैनर वैनर हटवा दिए मैंने यहाँ से। और भाई कल या जब भी मिस्त्री मिल जाएंगे यहाँ पे पूरे में रैक बनेगी, टोटल सीमेंटेड रैक। और भाई अपने यहाँ ना चींटे, ये देखो चींटे बहुत है, बेहिसाब है, जो भी चीज़ें बहुत ही है, चूहे, ये गेहूँ है भाई, ये गेहूँ भी हमारे ख़राब हो गए हैं, ये जाएंगे कल मंडी, मामा जी बैठे हुए हैं ना मामा जी की आड़त पे। और भाई फिलहाल हमने अलमारी वगैरह निकाल दी है यहाँ पे ना, पिताजी देखो मेरे विधायकी का इलेक्शन लड़े थे 2012 में, ये देखो भाई लोग दलो कांग्रेस गठबंधन से ना, ये उसका मैंने अपनी अलमारी पे चिपका दिया था उस समय पूरा। और ये देखो ये सब मैंने वॉश कर दिया वहाँ तक पूरा। फिलहाल गाड़ी से ना मार्केट चलते हैं, आज खाना लाते हैं होटल से, सब लोग खाएंगे होटल से खाना। और कनक भी आ रही है, मैं और कनक दोनों जा रहे हैं भाई। यहाँ गंदगी तो अभी है बट देखते हैं कल निपटाते हैं इस गंदगी को यहाँ से। अभी आ गए हम होटल, कह रहे अमरूप ठीक हो, मम जी ये है लंगोटिया, मैं समझ रहा हूँ तेरी चाय, इन्होंने भाई साहब अपना लंगोट नीचे कर लिया तुरंत कैमरा देख के। भैया ये हमारे चाचा का होटल है, सेवा फैमिली ढाबा, आप आ सकते हैं दुगरऊ के सामने। चाचा एक कढ़ाई पनीर बढ़िया सा पिताजी ने मंगवाया है, और रोटी उसी दिन वाली जो तुमने मुझे खिलवाई वहाँ आटे की रोटी।